पार्ट वन में हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म जो होती हैं उनका कन्वर्जन कैसे होता है। पार्ट टू जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर, उसमें हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। वैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन हमने क्या बोला था कि नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करना या उसको किसी अदर कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्जन करना जो उसका फिक्स उसकी एक स्टेबल फॉर्म होती है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हमारी दो तरह से होती है, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो 10% होती है और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर नॉन बायोलॉजिकल में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होते, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर यहाँ कुछ सिम्बायसिस और विदाउट सिम्बायसिस कुछ हमारे बैक्टीरिया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। बायोलॉजिकल का क्या मतलब है, जहां नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ हमारे बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली अब जो नॉन बायोलॉजिकल है वो जो 10% होती है, ये दो प्रोसेस से होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन से और लाइटनिंग से। इन दोनों रिएक्शन में नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाती है। जैसे मैं लाइटनिंग की अगर बात करूं जो 8% होती है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर और ऑक्सीजन होती है वो क्या बनाती है, लाइट गिरने से, जब लाइट गिरती वाटर वेपर ऑक्सीजन पे उनसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ दी एलिमेंट या मॉलिक्यूल। फ्री रेडिकल्स बने, अब वो फ्री रेडिकल्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, HNO3। ये HNO3 रेन की हेल्प से सोयल पे या सरफेस पे अर्थ पे फॉल होता है, ठीक है भाई। ये होती है एक लाइटनिंग की प्रोसेस। इस फोटोकेमिकल में भी ऐसे ही होता है, जो ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है उनके बीच में वो रिएक्शन होती है फोटोकेमिकल, जिससे HNO3 बनता है। उसी तरह से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हमारा क्या होना, उस नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करना। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होता है। ये नाइट्रोजन N N आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है जिससे वो एक मोलिकुलर जो सॉरी अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे होती है रिएक्शन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, और जहां इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं इस कंपाउंड को हमने दिए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है। तो नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना कैसे होता है, ये 3 नाइट्रोजन बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन एक बार आए, 2 इलेक्ट्रॉन दो बार, और 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन इस NH2 NH3 को क्या करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है एक कंप्लीट नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिएक्शन हमारा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। मैंने क्या बताया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो यहाँ पे फिक्सेशन करवाता कौन है, फिक्सेशन हमारा करवाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और हमारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर सकते हैं। फ्री लिविंग का क्या मतलब है, वो हमारे सोयल में फ्री लिविंग रह सकते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर सकते हैं, प्लांट के अंदर भी उनसे कोई सिम्बायसिस एक्यूमुलेशन ना करके। सिम्बायसिस का क्या मतलब होता है कि जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, यहाँ प्लांट को भी बेनिफिट होता है सिम्बायसिस में और बैक्टीरिया को भी हमारा बेनिफिशियल बेनिफिट मिलता है हमको। लेकिन फ्री लिविंग जो है वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फ्री लिविंग देखो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक में भी दो होंगे, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में कौन से होंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक्स में कौन सा होगा, एजेटोबैक्टर। एनारोबिक जो है उसमें भी फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक भी। फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल इसमें है क्रोमेटियम और नॉन फोटोसिंथेटिक का है क्लोस्ट्रीडियम। उसी तरह से सिम्बायोसिस की हम बात करें, सिम्बायोसिस देखो प्लांट में जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ते हैं,
उस नोड्यूल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस अमोनिया को डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो नोड्यूल क्या होता है वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा, लेकिन सिंबायोटिक जो एसोसिएशन होगा उसमें भी दो तरह का एसोसिएशन होगा, एक विद नोड्यूल और एक विदाउट नोड्यूल। पहले विद नोड्यूल की अगर मैं बात करूं तो विद नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो हमारी लेग्यूमिनस प्लांट पे हो सकती है और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट पे। लेग्यूमिनस प्लांट का क्या मतलब होता है, पल्सिस जो दालें वगैरह होती हैं हमारी, तो लेग्यूमिनस में भी रूट नोड्यूल बन सकता है और स्टेम नोड्यूल। नोड्यूल का क्या मतलब है, एक गांठ फॉर्म की स्ट्रक्चर बनती है, ये कह सकते हो कि भाई आउटग्रोथ ऑफ द रूट, ठीक है भाई, एक बड फॉर्म बनना रूट के अंदर, उसको नोड्यूल बोलते हैं हम। तो वो रूट नोड्यूल हो सकता है और स्टेम नोड्यूल। अगर रूट नोड्यूल की बात करें प्लांट के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कौन से बैक्टीरिया करवाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम के यहाँ अलग अलग टाइप होते हैं, ब्रैडी राइजोबियम, मीका राइजोबियम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं राइजोबिया बैक्टीरिया भी हमारे। स्टेम नोड्यूल जो करवाते होते हैं सेस्बीनिया। उसी तरह से लेग्यूमिनस था, नॉन लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस के हम तीन प्लांट पढ़ते हैं, एलस, मिर्का, केजुराइना। इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं विद नॉन लेग्यूमिनस में नोड्यूल फॉर्मेशन में, वो फ्रेंकिया और एक्टिनोमाइसिटीज। अब ये था फ्लोचार्ट हमारा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं। तो अब सिम्बायोटिक में एक तो हमने ये तो बता दिया कि विद नोड्यूल लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस है। अब बात करें विदाउट नोड्यूल की, विदाउट नोड्यूल कौन से होते हैं जो नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करते। विदाउट नोड्यूल में आते हैं हमारे, विदाउट नोड्यूल एक हम पढ़ते हैं एजोला। एजोला क्या है, एक एजोला, एजोला होता है हमारा वॉटर फर्न। ये एक वॉटर फर्न है, इसमें जो एसोसिएशन होता है सिंबायटिक एसोसिएशन वो एनाबीना, एनाबीना एल्गी के साथ होता है, ठीक है भाई, एनाबीना एल्गी का एसोसिएशन होता है एजोला के साथ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसी तरह से एक साइकस कैरेलोइड रूट का एग्जांपल पढ़ते हैं, साइकस कैरेलोइड रूट्स। इसके अंदर साइकस कैरेलोइड रूट का क्या मतलब है, स्टेम से थोड़ा सा, जहां से स्टेम स्टार्ट होती है प्लांट की, तो रूट एक सोयल सरफेस से थोड़ा सा अपर पार्ट में कैरेलोइड रूट्स बनती हैं साइकस के अंदर। इन कैरेलोइड रूट्स के अंदर भी एनाबीना एल्गी का एसोसिएशन होता है हमारा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है यहाँ पे। तो यहाँ थी ये विदाउट नोड्यूल, यहाँ कोई नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ देखने को मिलती है हमें। अब हम जो एग्जांपल देके पढ़ते हैं यहाँ पे, वो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट वो कैसे होता है वो देखो एक बार। तो जो यहाँ पे बैक्टीरिया हमने देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया हमने कौन से देखे, एनारोबिक, एरोबिक, हमारे लेग्यूमिनस वाले भी देखे, नॉन लेग्यूमिनस के लिए भी अलग से देखे, ठीक है भाई, और फोटोसिंथेटिक भी है, नॉन फोटोसिंथेटिक भी है। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डाइजोटोट्रॉप्स, डाइजोटोट्रॉप्स बोलते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम। तो ये रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करते कैसे, अभी मैं हेडिंग देता हूं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। पहले पता होना चाहिए नोड्यूल क्या है। नोड्यूल का मैंने क्या बताया, आउटग्रोथ, आउटग्रोथ ऑफ द रूट, प्लांट रूट। इस नोड्यूल के अंदर क्या होता है, हैविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन अपर, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है यहां पे। नोड्यूल कंटेनिंग लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, विच हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है वो एक एनारोबिक एनवायरमेंट में होती है, एरोबिक एनवायरमेंट में नहीं होती बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर।
एनारोबिक नोड्यूल फॉर्मेशन, एनारोबिक का क्या मतलब है, जहां पे ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, तो इस रूट के अंदर ये नोड्यूल प्रिपेयर ही प्लांट के द्वारा इसलिए किए जाते हैं ताकि वहां ऑक्सीजन पहुंच ना सके। ऑक्सीजन का लेवल इस नोड्यूल के अंदर, नोड्यूल हैविंग ऑक्सीजन लेवल 10,000 लोअर देन दी नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू इस नोड्यूल के अंदर 10,000 टाइम लोअर ऑक्सीजन लेवल होता है, क्योंकि यहां जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा जो एंजाइम, वो एंजाइम हमारा इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ठीक है भाई। जहां ऑक्सीजन होगी तो उस एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है, इसलिए हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन इनसेंसिटिव हो, जहां ऑक्सीजन कम हो। ये जो कम ऑक्सीजन है ये भी किस लिए है, ताकि नोड्यूल में रेस्पायरेशन हो सके, नोड्यूल की सेल रेस्पायर कर सके, क्योंकि हर सेल्स को अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, प्लांट सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है रेस्पायरेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है सिर्फ किस लिए, उस नोड्यूल में, ताकि वहां पे रेस्पायरेशन हो सके। और लेवल कितना लो चला जाता है, 10,000 टाइम लोअर नॉर्मल टिश्यू से। तो जो एक इसके अंदर लेग हीमोग्लोबिन भी होता है, मान लो कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वहां प्रिपेयर हो भी गई तो ये क्या कर देता है, उसको बाइंड करवा लेता है। जैसे हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को अटैच कराता है, उसी तरह से ये काम कर लेता है, ठीक है भाई। तो ये था नोड्यूल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि नोड्यूल फॉर्मेशन जो रूट में है वो होती कैसे है। यहां जो हेल्प करवाता है वो होता है राइजोबिया बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है भाई। राइजोबियम एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, यहाँ पे हमारा सोयल ऑर्गेनिक, सोयल फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैसे प्रिपरेशन हमारा रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए हमारे कुछ निफ जीन होते हैं या नोड्यूल जीन होते हैं हमारे। वो नोड्यूल जीन कौन से होते हैं, नोड्यूलेशन जीन और नोड्यूलिन जीन, नोड्यूलेशन जीन और नोड्यूलिन जीन, ये प्लांट स्पेसिफिक होते हैं, प्लांट नोड्यूल नोड जीन होते हैं ये हमारे। और ये नोड्यूलेशन जीन जो है ये राइजोबियम नोड्यूल जीन होते हैं, नोड्यूल जीन। नोड्यूलेशन जीन में भी हमारे दो होते हैं, एक होस्ट स्पेसिफिक और एक कॉमन। कॉमन जो होते हैं वो नोड ए बी और सी, और जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं पी क्यू ई, ये सब होते हैं, ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक। अब ये नोड्यूल जीन क्या करते हैं, नोड फैक्टर बनाते हैं। नोड फैक्टर का क्या मतलब होता है, नोड फैक्टर जो है वो बना होता है हमारा, एक बार इसको देखो पहले, प्रोसेस कम होने से पहले, कि नोड फैक्टर क्या है। नोड फैक्टर बना है हमारा लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड से, सैकेराइड से मीन्स की लिपिड्स होता है इसके अंदर, लिपिड्स है तो फैटी एसिड्स, लिपिड फैटी एसिड होता है, और ओलिगोसैकेराइड्स होता है काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोस एमीन, ग्लूकोस एमीन, ठीक है भाई। ये एन एसिटाइल ग्लूकोस एमीन बीटा 1,4 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके साथ, इस फैटी एसिड चेन के साथ। ये जो है ये बैकबोन बनाता है, बैकबोन, और ये इस बैकबोन में कार्बन टू की शुगर से ये चेन जो है वो अटैच होती है, ठीक है भाई। तो लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स से बना होता है ये हमारा नोड फैक्टर। अब नोड्यूल जीन जो हमने नोड्यूलेशन और नोड्यूलिन जीन पढ़े, इसी तरह से हमारे मैं बात करूं कि एक नोड फैक्टर कैसे बनता है, यहां पे
कॉमन नोड फैक्टर है या कौन से कैसे हमारे जो ये है जो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं यहाँ पे, ये लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो भाई, नोड जो नोड फैक्टर है, नोड ए, नोड बी, नोड सी, ये नोड फैक्टर एक्टिवेट करते हैं या एनकोड करते हैं, एनकोड एंजाइम, इसको ये एंजाइम की फॉर्म है, नोड ए, नोड बी और नोड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली। नोड ए नोड इस एंजाइम को एनकोड करता है, ये नोड बी को एनकोड करता है, नोड सी इस नोड सी एंजाइम को एनकोड करता है। तो नोड ए क्या काम करता है, जो नोड फैक्टर बनते हैं, इट इज ए एन एसाइल ट्रांसफरेज विच ट्रांसफर दी एसिटाइल ग्रुप टू दी फैटी एसिड, ठीक है भाई। और नोड बी जो है, इट इज ए काइटिन ओलिगो सैकेराइड्स डी एसिटाइलेज, ये डी एसिटाइलेज है, विच रिमूव एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम दी ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। और जो थर्ड है नोड सी, इट इज ए एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन सिंथेस विच एड मोनोमर एट दी चेन, ठीक है भाई। तो इन तीनों से मिलके एक नोड फैक्टर बनता है। एक नोड फैक्टर जो है वो किससे बना था, लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को ट्रांसफर करके, रिमूव करके और एडिशन करके वहां नोड फैक्टर को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है भाई। तो ये था नोड फैक्टर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे है प्लांट के अंदर। देखो भाई, सबसे पहले अब जैसे कि नोड फैक्टर बैक्टीरिया राइजोबिया है, राइजोबिया सोइल लिविंग बैक्टीरिया फ्री लिविंग। अब रूट के अंदर, रूट के थ्रू हमारा एक केमिकल, ये कह सकते हैं कीमोट्रैक्टिव अट्रैक्शन होती है। रूट क्या करती है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, जैसे कि आइसोफ्लेविनोइड्स और बीटेन्स होमोसीरिन्स, इन कंपाउंड को रिलीज करती है। तो इन कंपाउंड को सेंस करते हैं राइजोबिया, राइजोबियम इन कंपाउंड को सेंस करके कहां पहुंचते हैं, हमारे रूट नोड्यूल के पास। मान लो कि ये एक रूट हेयर है, यहां पे इस तरह से ये रूट हेयर है, यहां क्या है, ये है राइजोबिया, राइजोबिया, ठीक है भाई। और इस प्लांट ने क्या रिलीज किया, कीमो केमिकल, ठीक है भाई। केमिकल में क्या चीजें हैं, होमोसीरिन, आइसोफ्लेविनोइड्स, फ्लेवोनोइड्स, बीटेन्स, ठीक है, ये सब कौन, किसने रिलीज किया, प्लांट ने। तो प्लांट जब ये रिलीज करता है तो ये राइजोबिया जो है इस प्लांट रूट हेयर सरफेस के पास अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे ही ये यहां अट्रैक्ट होते हैं तो रूट सरफेस के पास ये क्या करते हैं, अभी देखो, ये यहां पहले नोड डी एक नोड फैक्टर होता है, क्या होता भाई, नोड डी, ये राइजोबिया है, मान लो कि राइजोबिया है हमारा, ये राइजोबिया नोड डी रिलीज करता है, प्लांट इसे सेंस करता है,
अब नोड डी यहां आकर, यहां मान लो कि नोड डी आया, ये नोड डी एक्टिव हो जाता है और ये वापस से आ जाता है राइजोबिया के अंदर, रिटर्न टू राइजोबिया एंड एक्टिवेट अदर नोड्यूल जीन लाइक नोड ए बी और सी। ठीक है भाई, नोड डी राइजोबिया ने रिलीज किया और केमिकल्स रिलीज किसने किए, प्लांट रूट ने, तो केमिकल्स को सेंस किया, राइजोबिया इनके क्लोज आया तो राइजोबिया क्या करता है, नोड डी को रिलीज करता है। ये नोड डी प्लांट के अंदर अटैच हुआ प्लांट सरफेस पे और हमारा एक्टिव हुआ। अब एक्टिव होने के बाद राइजोबिया में वापस रिटर्न हुआ, रिटर्न होके ये अदर नोड्यूल जीन को एक्टिवेट करता है और अदर नोड्यूल जीन कौन से हैं, नोड ए बी सी। अब इन नोड जीन को एक्टिवेट करवा के प्लांट क्या, ये राइजोबिया क्या करते हैं, यहां हमारे रूट सरफेस पे या रूट हेयर सरफेस पे के पास पहुंचते हैं, तो ये नोड्यूल को रिलीज करके ये राइजोबिया यहां कलेक्ट हुए, राइजोबिया। ठीक है भाई, तो ये राइजोबिया है, तो यहां ये करवाते हैं कर्लिंग ऑफ रूट, कर्लिंग ऑफ रूट। कर्लिंग होने के बाद क्या होता है, यहां एक इंफेक्शन थ्रेड बनता है, यहां से ये प्लांट सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं बैक्टीरिया और इस तरह से हमारा एक इंफेक्शन थ्रेड बनाते हैं, यहां से इन्होंने एंट्री की जैसे ही, तो इन्होंने क्या किया, यहां से एक इंफेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन की। ये ग्रीन वाले जो है यहां पे, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इस स्ट्रक्चर को बोला इंफेक्शन थ्रेड, इंफेक्शन थ्रेड। और इंफेक्शन थ्रेड है क्या, जब सेल वॉल को यहां इन्होंने डिग्रेड किया तो यहां ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलोंगेट होती है और यहां गोल्जी बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलोंगेट होती है और गोल्जी बॉडी वेसिकल से ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलोंगेट होती रहती है, बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू अंदर आते रहते हैं। ठीक है भाई, देखो एक बार दोबारा से, ये एक रूट है इलोंगेशन जोन, ये रूट हेयर है, ये क्या है, रूट हेयर। तो इस रूट हेयर के अंदर रूट हेयर ने क्या किया, रूट ने केमिकल रिलीज किया जिससे राइजोबिया यहां क्लोज आए, राइजोबिया क्लोज आए तो क्लोज आके क्या करते हैं, नोड डी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। नोड डी एक्टिव होने के बाद नोड डी रिलीज करते हैं और एक्टिवेट कहां पे होता है, जब प्लांट सरफेस से अटैच होता है, प्लांट सरफेस पे अटैच होने के बाद नोड डी एक्टिव हो जाता है और वापस से रिटर्न होता है राइजोबिया के अंदर। अब राइजोबिया के अंदर रिटर्न होने के बाद अदर नोड्यूल जीन को एक्टिवेट करते हैं, अदर जीन को एक्टिवेट करते ही ये नोड्यूल राइजोबिया हमारे यहां एक रीकैडेसिन प्रोटीन आता है, सॉरी बताया चीज पहले, रीकैडेसिन कैदरीन प्रोटीन, रीकैदरीन प्रोटीन के थ्रू यहां अटैच होते हैं, रीकैदरीन एक कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होता है हमारा, इस रीकैदरीन के थ्रू यहां अटैच होते हैं और यहां सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर, उसको डिग्रेड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, उसको इलोंगेट करते हैं, इस इलोंगेशन से क्या बनता है, एक इंफेक्शन थ्रेड बनता है। अब इंफेक्शन थ्रेड बनने के बाद के प्रोसेस को देखो आप लोग, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इंफेक्शन थ्रेड बना, मैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा हूं भाई यहां पे, एक रूट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग लेयर्स होती हैं यहां पे रूट के अंदर, आउटर एपिडर्मिस लेयर होती है, तो ये कॉर्टेक्स होती है, यहां पे दिखाना जरूरी नहीं छोड़ इस चीज को, अंदर वाला चीज दिखाते हैं इसमें, यहां पे अंदर क्या है, पेरिसाइकल, यहां की जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं पेरिसाइकल,
कैसे यहां नोड्यूल बनता है, नोड्यूल फॉर्मेशन, यहां जो सेल्स हैं ये सेल्स होती हैं रूट कॉर्टेक्स, बाहर एपिडर्मिस और फिर रूट कॉर्टेक्स बनती है यहां पे। ये रूट कॉर्टेक्स है, बिल्कुल आउटर जो थिन लेयर बनाई मैंने ये है एपिडर्मिस, यहां वास्कुलर बंडल्स होते हैं हमारे, ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर है, ये वास्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ठीक है भाई, ये एक सेक्शन है रूट कट का। तो यहां अभी तक अभी हम कहां पे पहुंच चुके हैं, ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बन चुका है, यहां दिखाता हूं मैं ये रूट हेयर से, ये मान लो कि इस तरह से है, एक इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो बन चुका है, जो हमने पिछले डायग्राम में किया है, ये क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड, ग्रीन कलर के जो दिखाए वो इसके अंदर बैक्टीरिया हैं, ये इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड। जब इन्फेक्शन थ्रेड बनता है तो यहां कॉर्टेक्स सेल को और पेरिसाइकिल सेल्स को एक सिग्नल मिलता है, तो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल की सेल्स जो होती हैं वो हमारी क्या करने लग जाती हैं, अपनी डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं। देखो अभी इन्फेक्शन थ्रेड यहां आया, तो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है, यहां गोल्जी बॉडी वेसिकल से इलोंगेट होके ये बैक्टीरिया जो हैं ग्रीन कलर के यहां रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई, और सिग्नल देते हैं यहां कॉर्टेक्स की सेल को, यहां कॉर्टेक्स सेल को और पेरिसाइकिल की सेल को, ये पेरिसाइकिल की सेल है, यहां मैं दिखाता हूं कॉर्टेक्स सेल डिवीजन इंक्रीज और साथ में पेरिसाइकिल सेल डिवीजन इंक्रीज, सेल डिवीजन इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है भाई। किसने सिग्नल दिया, इस इंफेक्टेड बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया जब आए अंदर तो इन्होंने इसको क्या दिया, साइन दिया कि पेरिसाइकिल, और ये पेरिसाइकिल की सेल और ये कॉर्टेक्स की सेल, जिनसे इनका डिवीजन रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ। डिवीजन क्यों बढ़ा, क्योंकि यहां पे फाइटो हार्मोन्स साइटोकाइनिन सिंथेसाइज हुआ, साइटोकाइनिन सिंथेसिस टेक प्लेस, जो साइटोकाइनेसिस होता है वो हार्मोन में पढ़ेंगे हम, ये क्या करवाता है, इंक्रीज सेल डिवीजन, ठीक है भाई, इंक्रीज सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के रेट को बढ़ा दिया इसने। तो साथ में पहले तो साइटोकाइनिन ने सेल डिवीजन बढ़ाया, और साथ में यहां इथाइलिन भी बढ़ता है, जो ये फ्लोएम होती है, इथाइलिन क्या करता है, सेल डिवीजन रेट को कम करता है, जिससे फ्लोएम की या वास्कुलर बंडल की सेल जो है वो इलोंगेट या डिवीजन नहीं कर पाती, सिर्फ डिवीजन कौन सी करती है, पेरिसाइकिल और हमारी कॉर्टेक्स की। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो इस टाइप का यहां स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नोड्यूल प्राइमोर्डियम, नोड्यूल प्राइमोर्डियम। और यहां जब ये इंफेक्शन स्टार्ट हुआ, इसे हम बोलते हैं पेरीबैक्टीरियोइड, पेरीबैक्टीरियोइड। अब इसके बाद देखो क्या बनता स्ट्रक्चर, यहां रूट हेयर जो था वो स्लॉफ्ट ऑफ हो जाता है, गिर जाता है यहां से, स्लॉफ्ट ऑफ, स्लॉफ्ट ऑफ हुआ, अब बैक्टीरिया अंदर आ चुके हैं बैक्टीरियोइड की फॉर्म में, इस तरह से ये बैक्टीरिया है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इसको आप रेड कलर से दिखाओ, इलोंगेशन जो हुआ था,
इनके अंदर ग्रीन कलर के बैक्टीरिया है, ठीक है भाई, इसको हमने बोला बैक्टीरियोइड, बैक्टीरियोइड, ठीक है। और जो ये पेरिसाइकिल और कोर्टेक्स की थी, इन सेल्स का आपस में फ्यूजन हो जाता है, ये सेल्स इस तरह से बनती हैं, यहां पे अपनी डिवीजन को कंटिन्यू बढ़ाती रहती हैं और इस तरह से इनका फ्यूजन हो जाता है सेल का आपस में। फ्यूजन हुआ और साथ में अब क्या बना, एक कंप्लीट आउटग्रोथ बनती है यहां पे। अगर मैं दिखाना चाहूं इस चीज को, इस तरह से ये अपनी डिवीजन को कंटिन्यू साइटोकाइनिन की हेल्प से बढ़ाता रहता है और इन्फेक्शन थ्रेड जो है ये इस तरह से आउटग्रोथ हो जाती है। बिल्कुल आउटग्रोथ को ही हमने क्या बोला है, नोड्यूल बोला है, ठीक है भाई। यहां पे मैं साइड दिखा नहीं सकता लेकिन एक आउटग्रोथ सी स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, ठीक है, इसे ही हमने क्या बोला है, नोड्यूल बोला है। और इसके अंदर हमारे हैं क्या, साथ में बैक्टीरियोइड है, यहां पे कहीं भी दिखा सकते हो आप लोग, बैक्टीरियोइड भी साथ दिखाने आप लोगों को इसी नोड्यूल के अंदर। ये बैक्टीरियोइड है जो रेड कलर के हैं और इनके अंदर ग्रीन क्या है, बैक्टीरिया है, राइजोबिया। ये इस तरह से ये ग्रीन बैक्टीरिया और बैक्टीरियोइड स्ट्रक्चर है। और साथ में क्या होता है, यहां पे इस नोड्यूल का अपना खुद का वास्कुलर बंडल जो है वो सिंथेसाइज होता है। ये वास्कुलर सिस्टम है, क्या है भाई, ये वास्कुलर सिस्टम, इसकी इंपॉर्टेंस मैं अभी बताऊंगा क्या होती है वास्कुलर सिस्टम। और एक क्या बनती है, देखो अभी एक बनती है हमारी यहां पे एक अलग लेयर बनती है लिग्निन की, ठीक है, ये है लिग्निन लेयर जो ऑक्सीजन को स्टॉप करती है, स्टॉप ऑक्सीजन, ठीक है भाई। एक बार अभी दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, पहले क्या हुआ था, रूट हेयर ने क्या किया, केमिकल्स रिलीज किया, आइसोफ्लेविनोइड्स, फ्लेविनोइड्स और हमारे बीटेन्स और होमोसिरिन्स, जिससे राइजोबिया वहां पहुंचा। राइजोबिया ने क्या किया, अपने नोड डी फैक्टर को रिलीज किया जो रूट हेयर से अटैच होने के बाद नोड डी एक्टिव हुआ। अब नोड बी एक्टिव हो चुका है हमारा, तो उसके बाद क्या होता है, राइजोबिया नोड डी जो है वो अदर नोड्यूल जीन को एक्टिवेट करता है, नोड एबीसी को, जिसे राइजोबिया वहां की रिकैदरिंग प्रोटीन के साथ अटैचमेंट करते हैं। अटैचमेंट करते ही सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इलोंगेशन करना स्टार्ट करते हैं, अपनी इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं। इस तरह से इन्फेक्शन थ्रेड बना, अब इन्फेक्शन थ्रेड से ये सेल्स, ये बैक्टीरिया अंदर रिलीज होते हैं, अंदर रिलीज होने के बाद पेरी बैक्टीरियोइड बनाते हैं और सिग्नल देते हैं कोर्टेक्स और पेरिसाइकिल की सेल को। कोर्टेक्स और पेरिसाइकिल की सेल जिससे क्या करती हैं, साइटोकाइनिन अपने हार्मोन से अपने डिवीजन रेट को बढ़ाती हैं। अपना इनका डिवीजन रेट बढ़ता है तो इस स्ट्रक्चर को नोड्यूल प्राइमोडियम बोलते हैं। अब जो हमारा रूट हेयर है वो स्लॉफ्ड ऑफ हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है। अब बैक्टीरिया ने आके अपनी कॉलोनी को बढ़ाना स्टार्ट किया तो बैक्टीरियो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोइड बोलते हैं। और जो कोर्टेक्स और पेरिसाइकिल की सेल थी उनका आपस में फ्यूजन हुआ। अब फ्यूजन हुआ तो इलोंगेशन बढ़ता गया, उनका स्ट्रक्चर जो है वो आउटग्रोथ बढ़ती रही, साथ में उन्होंने क्या किया, अपने वास्कुलर सिस्टम को अपने प्रिपेयर किया और एक लेयर फॉर्मेशन की लिग्निन की जो ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती। लिग्निन एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो इनसेंसिटिव होता है गैसेस वगैरह के लिए। तो अब इन पेरी जो बैक्टीरियोइड जो यहां एक नोड्यूल बन चुका है, इसके अंदर देखो क्या होता है। अब बैक्टीरियोइड का काम क्या होता है, बैक्टीरियोइड ये है, मान लो मैंने क्या बताया, ये बैक्टीरियोइड है। इस बैक्टीरियोइड में होता है हमारा लेग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन
जो लेग हीमोग्लोबिन है इसमें हमने ग्लोबिन जो है वो प्रोवाइड करवाता है प्लांट, और हिम जो प्रोवाइड करवाता है वो करवाता है बैक्टीरिया। ठीक है भाई, इससे ये है हीमोग्लोबिन बनता है। ये ऑक्सीजन इनसेंसिटिव है, ऑक्सीजन अटैच कराता, मतलब ऑक्सीजन अटैच, और यहीं पे होती है अपनी नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया की 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन ये प्रोसेस। ठीक है भाई, अब इस जो ये रिएक्शन है नोड्यूल फॉर्मेशन में, ये रिएक्शन करवाता कौन है? डाई नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। जो डाई नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स होता है वो देखो किस चीज का बना है, ये चीज समझ में आ गई थी कि कैसे नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। और वास्कुलर सिस्टम क्यों बना इसका? वास्कुलर सिस्टम बनता है ताकि ये अपने न्यूट्रिएंट्स जो नाइट्रोजन यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है अमोनिया की फॉर्म में, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक क्या कर सके, पहुंचा सके। ठीक है, एक बार देखो कि डाई नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है क्या। जो डाई नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है एंजाइम का, वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन या ये कह सकते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप डिपेंडेंट होता है, आयरन डिपेंडेंट भी होता है, मोलिबिडनम डिपेंडेंट होता है, मैग्नीडियम डिपेंडेंट होता है। तो मोलिबिडनम डिपेंडेंट हम यहाँ पे हमारा कॉमन होता है डिपेंडेंट डाई नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे? यहां ये इलेक्ट्रॉन डोनर को लेता है, फेरोडॉक्सिन को, फेरोडॉक्सिन को लेता है रिड्यूस फॉर्म में। ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूस फॉर्म में है, फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, 8 मॉलिक्यूल ऑफ फेरोडॉक्सिन और 8 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस फॉर्म है। तो यहां ये है एक सेकेंड डाई नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है, इसके दो प्रोटीन होते हैं हमारे, एक तो होता है नाइट्रोजिनेस डाई नाइट्रोजिनेस रिडक्टेस और एक होता है डाई नाइट्रोजिनेस। ये हमारा आयरन प्रोटीन होमो डाइमर बनाता है। ठीक है, ये मोलिबिडनम आयरन प्रोटीन होता है, ये टेट्रामर बनाता है, टेट्रामर टू डिफरेंट यूनिट से। ठीक है भाई, एंजाइम का पता होना चाहिए। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे होती है यहाँ पे, अभी देखो एटीपी डिपेंडेंट है ये प्रोसेस। डाइनाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के हमारे दो एंजाइम हैं, डाइनाइट्रोजिनेस ये रिड्यूस, ये डाइनाइट्रोजिनेस ऑक्सीडाइज डाइस फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन को लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन ये इसे देता है और ये रिड्यूस हो जाता है। यहां 16 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इन्वॉल्व होते हैं। डाइनाइट्रोजिनेस जो रिड्यूस है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है इस तरह से, पर मैं दोबारा बताऊं इस चीज को। डाई नाइट्रोजिनेस ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया वापस से एडीपी को लेके, और अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है ये ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है डाई नाइट्रोजिनेस, सॉरी रिडक्टेज है ये, मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं पहले। ये रिडक्टेज है, रिडक्टेज रिडक्टेज ये डाई नाइट्रोजिनेस है, ये भी डाई नाइट्रोजिनेस। इसने अब अपने 8 इलेक्ट्रॉन इसे दिए, इस ऑक्सीडाइज फॉर्म को, इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये वाला रिड्यूस, मैं यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम बना देता हूं पहले, उसके बाद कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस हो रही है। ये रिड्यूस जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ, इसने इलेक्ट्रॉन यहां से
ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया था जिससे ये रिड्यूस हुआ। अब अपने इलेक्ट्रॉन देता है ये नाइट्रोजन को, जिससे नाइट्रोजन विद 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट किसमें होता है, अमोनिया में और H2 में, 8 इलेक्ट्रॉन को लेके। यहां से 8 इलेक्ट्रॉन आए तो ये इस तरह से यहां रिएक्शन होता है। इस तरह से दिखा सकते हो आप, देखो भाई फेरोक्सिन इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक डाई नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है जो इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये डाई नाइट्रोजिनेज जो है वो दो एंजाइम से बना है, रिडक्टेज से और डाई नाइट्रोजिनेज से। ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है, इसलिए हमने लैग हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। 16 ATP यहां इन्वॉल्व होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहां पे, फेरोक्सिन। फेरोक्सिन रिड्यूस फॉर्म में कहां से आता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से, लाइट रिएक्शन से। फेरोक्सिन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज ऑक्सीडाइज फॉर्म को दिए, जिसे ऑक्सीडाइज फॉर्म इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाती है। 16 ATP इन्वॉल्व होते हैं। जो ये रिड्यूस फॉर्म है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस डाई नाइट्रोजिनेज को दे देते हैं जो किस फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, और इलेक्ट्रॉन लेके अब ये रिड्यूस हो गया और ये वापिस से ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहां से आ जाओ, यहां इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, ये रिड्यूस फॉर्म का इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, नाइट्रोजन को देता है, और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में कि नाइट्रोजिनेज, इस चीज को ध्यान रखना, ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारी रिएक्शन होती है। जैसे हम हेट्रो उसमें पढ़ते हैं, नोस्टोक के अंदर पढ़ते हैं, नोस्टोक एक एल्गी है हमारी, ब्लू ग्रीन एल्गी। नोस्टोक में भी जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता, देखो नोस्टोक जो है और एनाबीना वो राइस प्लांट में हमारे वो करवाती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती हैं। ठीक है भाई, तो नोस्टोक जो है वो हमारे हाइफा स्ट्रक्चर होता है नोस्टोक का, इस तरह से यहां एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है नोस्टोक का, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट ये एक नोस्टोक एल्गी है, नोस्टोक एल्गी। हेट्रोसिस्ट की क्वालिटी क्या होती है, यहां फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 जो है वो एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन जनरेटेड रीजन होता है हमारा, जनरेटेड पार्ट। ऑक्सीजन H2O की स्प्लिटिंग कहां होती है, फोटोसिस्टम 2 पे, इसलिए यहां फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन आता है वो दूसरी और उनसे आता है, दूसरी सेल से आता है। ठीक है भाई, तो सिर्फ हेट्रोसिस्ट ऐसा रीजन है यहाँ पे जहां पे हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में।